देखिए हम लोग टुक टुक पे बैठ चुके हैं, लेकिन अनाया की मम्मी अपना फोन भूल गई और दोबारा हमको वापस आना पड़ा, तो फोन लेने गई है। देखिए अनाया छोटा सा बच्चा हारमोनियम बजा रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद केसी में। आज मैं देखिए थोड़ा सा जवान लग रहा हूँ, शादी के बाद पहली बार आप लोग देख सकते हैं क्यों। आज दोस्तों हम एक बहुत ही अच्छे मौके पे एक जगह जा रहे हैं, और मौका ये है हमारी एक बेटी है हमारे भैया की, उनकी बेटी के लिए एक पार्टी रखी गई है, वहां पे जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए इसको, गुनगुन को देखिए। गुनगुन कहाँ जा रही हो, खड़ी होके दिखा दो क्या पहना है तुमने आज। फर्स्ट टाइम गुनगुन ने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, और बिल्कुल लड़का लग रही है और बहुत खुश भी हो रही है। तुम खुश हो रही हो, क्लैप कर दो बेटा, क्लैप कर दो, क्लैप योर हैंड्स। अरे खुश हो रहे हैं। गिर गया। और ये देखिए मैडम जी सस्ते सवरते हुए, और हम लोग बहुत खुश हो क्योंकि ये मेरी जो ड्रेस है ये मेरी डिलीवरी के पहले की, तो शादी के पहले की ड्रेस थी, और अपनी बेटी होने के बाद वो ड्रेस मुझे आ रही है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए ये बहुत खुश है। तो हम लोग आज भीमताल जा रहे हैं दोस्तों, तो सोचा छोटा सा एक ब्लॉग बनाए और भीमताल को भी हम लोग दिखाएंगे। और देखिए आजकल मैं ब्लॉगिंग ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। तो हम लोग बस निकलने वाले हैं, टाइम हो चुके हैं 11 बजने के लिए 15 मिनट है, बस हम लोग 5 मिनट में निकल रहे हैं। अगर मैडम जी का ये जो है श्रृंगार ये अगर खत्म होता है तो हम लोग जल्दी निकलेंगे, क्योंकि मैं तो एक घंटे से तैयार हो गया, टी शर्ट डाली, पैंट पहने, जूते पहने और जैकेट डाली, और गुनगुन भी कब से तैयार होकर के वेट कर रही है। ये देखिए कैसे उठ जाती है, कैसे चलती है, देखिए खुद चलना सीख गई है गुनगुन। ये देखिए बाबू इधर देखो, तो ये देखो कौन है ये देखिए। सो बस निकलते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे मिलते हैं आपसे। देखिए हम लोग टुक टुक पे बैठ चुके हैं, लेकिन अनाया की मम्मी अपना फोन भूल गई और दोबारा हमको वापस आना पड़ा, तो फोन लेने गई है। देखिए अनाया कैसे बैठी है, इसकी मम्मी ने फोन चार्ज में रखा और उसको लेकर के आना भूल गए, तो काफी दूर हम चले गए थे, फिर हम लोग वापस आए हैं। सो वेट कर रहे हैं घर के बाहर। तुम सो रही हो, अरे तुम सो रही हो, तो नींद आ रही है, आ गई फोन लेकर के। फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं, और गुनगुन को देखिए गुस्सा आ रहा है, गुनगुन को गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है बेटा, क्यों गुस्सा आ रहा है, गर्मी हो रही है, देखो तो इधर हेलो कर दो। सो बस बस में बैठ गए हैं, देखते हैं कब तक बस चलती है। खाओ इसको, खोल दे, मम्मी को दे दो, खोलेगी, मम्मू को दे दो, मैम को दे दो, खोलेगी। अरे स्मार्ट बच्चा हो गया है ना, पता है खोल करके मम्मा देगी। गुनगुन खाएगी ना, नहीं आ रही है गुनगुन को। ओ अंकल को तो, दादाजी को दो तो। बड़ी के घर देखो, भैया के घर जहाँ हमें आना था। देखो गुनगुन इधर देखो, तो तुम आई कैसे थी, शक्ल कैसे भैया। गुनगुन ने बाबू को देखा, कौन है बाबू, देखो तो हम लेके जा रहे हैं, तुम इधर ही रहो ठीक है, हम लेके जा रहे हैं, लेके जाए। अच्छा ओए आराम से आराम से आराम से आराम से,
गाना गा दो गुनगुन। अनाया किसने दिया ये? ताऊजू ने दिया। और देखिए यहाँ पे क्या क्या बजाने की कोशिश कर रही है, ये देखिए हारमोनियम बजाएगी ये, इसका बहुत ही ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्ट है। बजाओ जरा, बजाओ बजाओ तो लो बजाओ। अरे हारमोनियम बजा रही है गुनगुन, बजा बेटा। ओ और हारमोनियम बजा रही है गुनगुन। देखिए गुनगुन नए कपड़े पहन के हारमोनियम बजा रही है। छोटा सा बच्चा हारमोनियम बजा रहा है। दोस्तों हम लोग अभी बस में हैं और बहुत लंबा जाम लगा है, हम लोग फंस गए हैं काफ़ी देर से, जबकि भीमताल से हल्द्वानी आने में 45-50 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी हम नहीं पहुंचे और काफ़ी जाम दिख रहा है आगे। दोस्तों फाइनली हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही ज़्यादा जाते समय भी आते समय रश था, बहुत ही ट्रैफिक था। 5 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे और अभी 7 बज रहे हैं घड़ी में, आप देखिए 7:10 हो गए और अभी जस्ट हम पहले पहुंचे हैं। तो अच्छा रहा काफी, बहुत ही इंजॉय तो किया, लेकिन सफर में बहुत ही हालत खराब हो गई। अनाया भी दूध पी रही है, काफी थक गई है बेचारी बस में, लेकिन वहां पे जाके हमें बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।